तो सुबह सुबह ये मसल कार खरीद के लाया हूँ मैं। काफ़ी पुरानी सी मसल कार है भाई, वो तो देखने से ही पता चल रहा है। खैर, इस पे स्क्रैचेस वगैरह देखो, इसका पेंट देखो कितना ज़्यादा फेड हो चुका है। आगे का पार्ट देखो भाई, पूरी जंग लगी पड़ी है। पीछे का पार्ट देखो भाई, इसकी ये टेल लाइट्स देखो ज़रा, पता नहीं कौन से ज़माने वाली पुरानी सी टेल लाइट्स हैं, एंड काफ़ी अजीब लग रही है। ठीक है बट ये गाड़ी, बट मैं भाई इस गाड़ी को लेकर चॉप को एक चैलेंज देने की सोच रहा हूँ। मैं उसे चैलेंज दूंगा, क्या भाई चॉप इस गाड़ी को एक बाइक में कन्वर्ट कर सकता है, वो भी कोई टूटी फूटी नहीं, कोई सस्ती सी लोकल सी बाइक नहीं, एक सुपर बाइक में। देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि देखो भाई अभी फ़िलहाल इस मसल कार की जिसकी हालत इतनी बुरी है, इसको अभी मैं कितना भी रिपेयर अपग्रेड करवा लूँ ये बढ़िया नहीं बनने वाली। बट इससे कोई दूसरा व्हीकल तो बनाया जा सकता है मैजिकल पेंटिंग पैड का यूज़ करके। तो मैं सोच रहा हूँ भाई क्या चॉप इस मसल कार को लेकर एक बढ़िया सी सुपर बाइक बना सकता है। आओ देखते हैं, मैं उसे चैलेंज देने वाला हूँ ये। चलो फिलहाल तो इस मसल कार को लेकर चलते हैं, भले ही ये कितनी भी पुरानी हो लेकिन स्पीड अच्छी है भाई इसकी। ओके कम ऑन, यहाँ से बहुत ही अच्छी जंप तो लगाई थी मैंने, लेकिन छत पे नहीं पहुँच पाया गाड़ी लेके। वंस अगेन हियर वी गो। इसका स्टीयरिंग व्हील देखो भाई कौन से ज़माने का है। सामने स्पीडोमीटर देखो भाई कैसा अजीबोगरीब लंबा से स्पीडोमीटर है, काफ़ी अजीबोगरीब गाड़ी लग रही है। यहाँ पे एक बढ़िया सी जंप लग जा भाई, क्या हो रहा है ये, क्यों नहीं छत पे पहुँच पा रहा मैं। कम ऑन, आ गया इस बार आ गया। तो चौप भाई, मैं बोल भाई गलो क्या हो गया, ये कहाँ से गाड़ी उठा के लेके आ गया तू, कबाड़े की दुकान से। और चल बे, इतनी भी बेकार गाड़ी थोड़ी ना है ये, काफ़ी पुरानी एक मसल कार है। मैं तुझे भाई चौप ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि क्या तू इस मसल कार को एक बढ़िया सी सुपर बाइक बना सकता है। अबे कार से बाइक, हाँ भाई मैजिकल पेंटिंग पैड है तेरे पास, तो बिंदास मैजिकल पेंटिंग पैड का जितना चाहे उतना यूज़ कर सकता है। लेकिन हाँ, तुझे कोई नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक या फिर कैसी भी बाइक नहीं बनानी है, सुपर बाइक बनानी है। अब बता बना पाएगा तू? मैं बिल्कुल आराम से भाई, ये भी कोई चैलेंज हुआ है, बना देगा देख ले भाई। पसंद आनी चाहिए मुझे वो बाइक, मैं बिल्कुल पसंद आएगी कलुआ, तू हट जा, तू गाड़ी से हट जा। अब देख इसको कैसे मैं मैजिकल पेंटिंग पैड का यूज़ करके बाइक बनाता हूँ। अच्छा ठीक है भाई चौप, चल बना तू, देखता जा भाई कलुआ कैसी अल्टीमेट बाइक बनाऊंगा मैं। हाँ चल बना तो सही। कलर क्या रखना है ये तो बता दे। रेड ही कलर रखना है बाइक का। ठीक है देख तू मेरी बाइक कितनी बढ़िया बनाता है इस गाड़ी से। ओके तो चौप ने यहाँ पर क्या बनाना शुरू कर दिया ये। अबे तू क्या बना रहा है भाई, पहले पैक कलुआ, पहले गाड़ी बना रहा हूँ यार मैं। ओके तो उसके बाद मुझे लगता है बाइक में कन्वर्ट करेगा तू। बिल्कुल पहले गाड़ी तो बना लूँ, आखिरकार कन्वर्ट किसको करूँगा मैं। ओके तो फिलहाल इसने मसल कार को बनाना शुरू कर दिया है, एंड मसल कार बना भी दिए। कैसी चिपटी हुई सी मसल कार है यार ये, एक्चुअली में बहुत पुराना डिज़ाइन है ये। तुम लोगों ने हेडलाइट्स भी देखी भाई, पीली वाली हेडलाइट्स है, इसकी LED भी नहीं है, तो ये ऐसा ही सीन है। फिलहाल चॉप ने गाड़ी भी अच्छी खासी बना दी भाई। चॉप क्या बात है, गाड़ी वाड़ी सब बढ़िया तरीके से बना रहा है भाई। एक तो इसके पहिए इतने छोटे छोटे से है यार, बाइक के पहिए बड़े होते हैं, चेंज करने पड़ेंगे व्हील्स। ठीक है जो करना है तो कर, बस बाइक बननी चाहिए इसी गाड़ी से, बना दूंगा भाई टेंशन मत ले तू। ओके तो यहाँ पर भी कलर भरना शुरू कर दिया है, यहाँ पर चॉप फेडेड रेड कलर भी कर रहा है, एंड यहाँ पर रेडी हो गई गाड़ी। अब देख भाई कलुए इसको मैं कैसे बाइक बनाता हूँ, बना भाई चॉप, हम लोग वही देखने के लिए तो बैठे हुए हैं कि यहाँ पर तू आखिरकार बाइक बनाता कैसे है। तो सबसे पहले हमें चाहिए इरेजर, एंड मैं इससे इरेज करूंगा इधर का ये पार्ट, थोड़ा सा इधर का पार्ट। अब लेकिन बाइक के हिसाब से ये पहिया कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, तो मैं एक्सटेंडेड व्हील वाली बाइक बना दूंगा भाई, उसमें क्या दिक्कत हो गई। ओहो दिमाग तो लगा रहा है भाई चॉप ये, लेकिन कितना भी दिमाग लगा ले भाई तू बाइक नहीं बना पाएगा, तू देखता जा भाई कलुए एकदम अल्टीमेट बाइक बनाऊंगा मैं भाई। सीरियसली मैं गाइस देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल है इससे बाइक बनाना, लेकिन फिर भी चॉप हार ही नहीं मान रहा भाई, देखते हैं कैसी बाइक बनाता है ये। ओके फिलहाल ये क्या कर रहा है, आई हैव नो आइडिया। ओके क्या है भाई ये चॉप, मैं तू देखता जा भाई कलुए, ये सीट है। ओहो सीट, ठीक है ये फ्यूल टैंक है। ओ यस यार फील तो आ रहा है थोड़ा बहुत बाइक जैसा, देख ले फील आएगा तू वेट कर बस। ओके गाइस सीरियसली मैं भाई थोड़ा फील तो आ रहा है, अभी कलर करता हूँ मैं बढ़िया वाला रेड, ये वाला देख भाई कलवे। ओके गाइज यस फील आ रहा है थोड़ा भाई, ठीक लग रही है अभी तो इसकी बाइक भाई, लेकिन पता नहीं आगे जाके कैसी होने वाली है ये। यहाँ पर आगे फिर से इसने कंटिन्यू कर दिया है बाइक बनाना, एंड यहाँ पर ये कलरिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओके भाई अभी थोड़ी बाइक वाला फील तो आ रहा है, लेकिन अभी भी उतना फील नहीं आ रहा। अब देख भाई कलवे इसको कैसे मैं व्हील इसका मस्त करता हूँ। ओके अब व्हील बनाने की कोशिश करने वाला है चॉप,
भाई रेड कलर का व्हील, ओके ब्लैक कलर का व्हील। एंड यहाँ पर इसने भाई अलग ही गेम खेल दिया, व्हील को ही एक्सटेंड कर दिया है। ओहो क्या बात है भाई, चौप तबाही एकदम। कल भैया तू देखता जा, अल्टीमेट बाइक बनाऊंगा मैं, अल्टीमेट। ये देख तू बाइक का लुक एक बार, बढ़िया लग रही है अभी तो। देखो गाइस बढ़िया लग रही है अभी, इतनी तारीफ तो बनी सकती है भाई चौप की। फिलहाल कलर वलर इसने अच्छा खासा कर दिया है एंड बाइक का लुक तो आ रहा है देखो भाई, लेकिन पीछे का पता नहीं कैसे ठीक करेगा ये सब कुछ मामला पानी। लेट्स सी, अभी फिलहाल बाइक के हैंडल वगैरह बनाने जा रहा है ये। यस बाइक के हैंडल्स, उसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाइक आगे का तो फ्रंट पूरा इसने रेडी कर दिया है, सीट वगैरह भी लगा दी है। पीछे का देखने वाली बात होगी कैसे करेगा सब कुछ ये हैंडल। फिलहाल ये रेस कर रहा है, साथ ही साथ ये रेस कर रहा है। एंड अब क्या करेगा, ये पीछे वाले व्हील को अच्छा बनाएगा। चलो भाई ये रहा पीछे वाला व्हील, एंड पीछे वाले व्हील के अंदर कर दिया इसने ब्लैक कलर। अब आगे कैसे होगा सब कुछ रेडी। फिलहाल ये टेंड कर रहा है शायद व्हील को। ये क्या है, ये क्या है, साइलेंसर। ओके साइलेंसर है शायद से। एंड कनेक्ट कर दिया इसने व्हील को तो भाई, ओ तेरी कनेक्ट तो भाई कर दिया इसने व्हील को। क्या बात है भाई चॉप, क्या ही बात है। ओहो एंड यहाँ पर साइलेंसर के अंदर कलरिंग, एंड इस तरीके से ये साइलेंसर भी रेडी, बाइक भी ऑलमोस्ट रेडी है। एंड तुम लोगों को कैसी लग रही है भाई ये बाइक अभी से ही बताओ यार कमेंट में। बाकी चॉप भाई हो गया, रेडी हो गया तेरा सब कुछ। यार रुक जा भाई, कल अभी कहाँ से भाई, अभी बाकी है और क्या, अभी कितना टाइम और लगेगा भाई चॉप। बस रेडी हो गई, लेकर आता है फटाफट से खतरनाक से अल्टीमेट सुपर बाइक को रियल लाइफ में। 3 2 1। ओ भाई साहब क्या लग रही है ये, क्या लग रही है भाई ये चॉप भाई, ये तो अल्टीमेट सुपर बाइक लग रही है। एंड देखो भाई गाड़ी काफी लंबी होती है बाइक से, तो इसने क्या किया, व्हील्स को तो उनकी जगह पे ही रखा, बाइक का जो पीछे वाला व्हील है उसको कनेक्ट कर दिया दूर से ही, तो ये एक्सटेंडेड वाली बाइक बन गई। एंड अभी ये मुझे लग रहा है गाड़ी जितनी ही लंबी हो गई है बाइक। रुको जरा एक गाड़ी जा रही है सामने, इससे जरा लेंथ देखते हैं। ये देखो देखो भाई तुम लोग, गाड़ी जितनी ऑलमोस्ट लंबी हो गई है ये बाइक। गाड़ी के दोनों पहिये देखो एंड इस बाइक के दोनों पहिये देखो, बिल्कुल साइड बाय साइड कंपैरिजन करो। इसने पहियों को अपनी जगह से हिलाया भी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर बाइक की बॉडी फिट कर दी है। काफी इंप्रेसिव भाई चॉप, काफी इंप्रेसिव। तो आप बता भाई कलु, ये बाइक तेरे को पसंद आई कि नहीं भाई। पसंद तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से आ गई है, अल्टीमेट लग रही है भाई। स्टॉप ही नहीं लग पा रहा है इससे, मुझे लगता है व्हील ही भी नहीं लग पाएगा, एक्सटेंडेड व्हील है ना भाई इसका। लेकिन स्टॉप ही और व्हील ही किसे चाहिए, बाइक अल्टीमेट लग रही है। ये देखो साइलेंसर भी इसका, एग्जॉस्ट वगैरह भी परफेक्ट है, टेल लाइट वगैरह भी ठीक है, हेडलाइट भी अच्छी खासी है। ओके नाइस, कुछ भी कहो गाड़ी बढ़िया तो लग रही है भाई। यस डेफिनेटली अल्टीमेट लुकिंग बाइक। एंड हियर वी गो फुल स्पीड। ओ तेरी भाई आवाज सुनो इसके इंजन की, आवाज देख रहे हो तुम लोग, क्या ब्यूटीफुल आ रही है और क्या स्पीड है भाई, 350 की स्पीड यहाँ पर ट्रैफिक वाले हाईवे पे। ओ नो भाई साहब, उस गाड़ी का पिछवाड़ा पिचका दिया भाई मैंने। यस उस गाड़ी का बैक पूरा पिचक गया है, ये देखो इतनी जोरदार टक्कर मारी मैंने 350 की रफ्तार में, बट बाइक को कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेट सॉलिड बाइक बनाई है भाई चॉप ने। फिर से स्पीड पकड़ते हैं 200 की स्पीड। एंड यहाँ पर ये टर्न्स, ओ भाई क्या ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट है। चलो भाई मानना पड़ेगा भाई तूने बाइक अच्छी खासी बनाई है, ड्रिफ्ट तो बहुत ही बढ़िया लग रही है इस बाइक से। ये देखो कॉर्नर्स पे कितनी ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट्स लग रही हैं यार। ये देखो फिर से कॉर्नर, एंड हियर वी गो। उतना भी शार्प कॉर्नर नहीं था, लेकिन फिर भी शार्प कॉर्नर्स पे भी बिल्कुल ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट लग रही है। देखो सामने कॉर्नर है, हियर वी गो, कितनी खूबसूरत ड्रिफ्ट है। यहाँ से एक कॉर्नर पे शार्प कॉर्नर, एंड ये देखो ड्रिफ्ट भाई, मज़ा आ रहा है इतनी ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट्स लगाने में, तो मज़ा ही आ रहा है। फिलहाल अभी इसको भगाते हैं ज़रा हाईवे पे, ये सीधा रास्ता है थोड़ा सा। चलो भाई 150, 200, 250, 350 तक जा रही है, कि 350 से ऊपर जा सकती है ये। स्पीडोमीटर पे नज़र रखो या फिर सामने रोड पे, हाईवे पे निकलते हैं भाई। यहाँ पर तो बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन हाईवे पे भी तो बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। हाँ लेकिन फिर भी वो थोड़ा सीधा रास्ता तो है, वहाँ टेस्टिंग होगी बढ़िया वाली। आ भी गए हम तो हाईवे पे आराम से, बहुत ही बढ़िया। एंड हियर वी गो रेडी फॉर द अल्टीमेट सुपर बाइक टेस्टिंग। चलो भाई 200, 250, 300 भी पहुँच गई है, 350 भी पहुँचने वाली है, 400 के लगभग पहुँच पाएगी क्या ये, 370, 380 के लगभग नहीं पहुँच पाई, उससे पहले मैंने ठोक दी। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, इसको एक बार 400 पहुँचा के देखना चाहता हूँ मैं, 400 पहुँच जाएगी भाई आराम से। ओ बल्कि अभी पहुँच गई थी ये तो, मजे में इस बार पहुँच गई थी यार। रुको इस वाले हाईवे पे ले जाके देखते हैं वापस से, 400 तो पहुँचा दूंगा मैं। ये बाइक का बताऊँ क्या सीन है, ठुकती रहती है और ठुकते ड्राइवर बाहर।
ऐसा सीन है लाल। चलो रेडी, 100 पहुंच गई, 200 पहुंच गई, 350 पहुंच गई, 400 पहुंच गई, इस बार 421 तक पहुंच गई है। ओके इसकी टॉप स्पीड 421 ही है। ओ भाई इससे ऊपर नहीं जा रही है ये भाई। अल्टीमेट था भाई ये, जो भी कहो मजा आ गया टेस्टिंग करके इस बाइक की। ठुकना बंद कर दूं मैं तो वो और अच्छा रहेगा। फिलहाल ठुकते भी 421 तक पहुंचा दी स्पीड, ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी कैसी लगी गाइस तुम लोगों को ये बाइक कमेंट में जाकर जरूर बताना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ट्रैफिक में भगा रहा हूँ भाई, ट्रैफिक में ठुकेगी बहुत तेज। ओके वो नहीं ठुकी, ठुक गई।